तो हिंदुस्तान की परंपरा ये रही है कि जहाँ से लोग पीड़ित होते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है संरक्षण के लिए स्थान, तो हिंदुस्तान की छाती चौड़ी है, हम उनको समा लेते हैं। और हमने दरपुष्ट लोगों को समाया। आज के दिन सिकंदर के भी कहते हैं ऑफस्प्रिंग यहाँ पर हैं, आए थे जब रावी इसको सिंध नदी को पार करके। तो हमारे देश की ये परंपरा रही है। जो मौजूदा कानून बना है, इस तरह के पुराने भी थे, लेकिन उसके ऊपर हिंसा नहीं हुई, उसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जताई नहीं। इस बार आपत्ति जता रहे हैं ये ना समझे बिना कि जो तीन मुल्क हमने सुनिश्चित किए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनकी सारी नीति, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कानून सारा का सारा इस्लाम के ऊपर आधारित है। इस्लाम के अंदर कोई जात पात नहीं होती, सिर्फ एक ही जात होती है, मुसलमान की जात होती है। जो अनेक और जातें होती हैं वो काफिर बोले जाते हैं। तो जो भी काफिर उनके यहाँ उनके मुल्क के कानून के मुताबिक पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनको हमने यहाँ संरक्षण देने के लिए ये कानून बनाया है और उनको राहत दी है हिंदुस्तान की परंपरा के अनुसार। और जब ये अगर आप देखो भी, अगर उस लिहाज से अगर आप देखो, जब पाकिस्तान बांग्लादेश इकट्ठे अलग हुए थे हमसे, 24% नॉन मुसलमानों की, इसमें घनकरे हिंदू थे, 23-24% उनकी नफरी थी, और आज 4-5% नफरी रह गई है। बांग्लादेश के अंदर शायद 8 है, हमारे यहाँ पे शायद पाकिस्तान में शायद 4-3% रह गई है। कहाँ गई? जो आज से 70 साल पहले हुए थे वो कैसे घट करके 7-8% रह गए? तो कुछ के उनके साथ अत्याचार हुआ ही था, तो या तो मज़हब परिवर्तन कर गए, या वो मार दिए गए, या वो भाग गए। बीजेपी को सीखने में सारी उम्र बीत जाएगी। एक मिनट मेरी बात सुनो। हिंदुइज्म, मेरा दादा राव बलबीर सिंह, नाउ यू आर राइट 100%। माय दादा जब अंग्रेज लोग हिंदुओं को अंग्रेज बना रहे, क्या क्रिश्चियन बना रहे थे, तो एक ही व्यक्ति था हमारे इस सारे हरियाणा से जिसको दो जगह से हिंदू धर्म रक्षक का खिताब मिला था, मेरा दादा। और कहाँ से मिला था? वाराणसी से। और कहाँ से मिला था? हरिद्वार से। दो ही जगह के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर ये खिताब देने का अधिकार था। भगवत भक्ति आश्रम इसका विटनेस है, हाँ। और मेरा दादा हिंदुस्तान, हरियाणा में कोई और हो तो बता दो हिंदू धर्म रक्षक का खिताब पाए हुए, तो फिर आप मुख्य धारा के होंगे ना, मैं यही तो कह रहा हूं। आगे बढ़ाएंगे कैप्टन के। देखो, कैप्टन साहब की आय की संपत्ति के बारे में आमतौर के ऊपर करना तो चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके अंदर। अगर मैं होता हरियाणा के अंदर तो शायद अब तक तो कुछ उसके बारे में सोच विचार होता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी धर्मात्मा हैं। अभी तक कुछ नहीं किया।